हमको स्कूलों में हेल्थ एंड हाइजीन का पाठ तो बहुत पढ़ाया गया है, लेकिन क्या असल दुनिया में इस चीज़ का पालन होता है? ऊंची वर्ग के लोग तो अपने घरों में शौचालय बनवा लेते हैं, लेकिन निम्न वर्ग के लोगों में इतनी क्षमता और शिक्षा नहीं है कि वे अपने घरों में सुलभ शौचालय बनवा पाए। इसका प्रमुख कारण है कि भारत की 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और अभी भी उन लोगों की सोच बहुत पिछड़ी हुई है और वो अशिक्षित है। घर में शौचालय होने को अशुद्धता मानते हैं। ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे लोग अनदेखा करते हैं। पुराने समय से घर में शौचालय ना होने के कारण महिला वर्ग ने बहुत समस्याएं सही हैं और आज भी लाखों महिलाएं ये समस्या दैनिक रूप से सह रही हैं। कुछ लोग जो ये चाहते हैं कि उनके घर में शौचालय हो, वे आर्थिक समस्या के कारण उसे बनवाने में असमर्थ हैं। हमारे यहाँ जो सफाई कर्मचारी आती हैं, उनके घर पर भी शौचालय नहीं था। उनके परिवार में उनके साथ उनके पति और 3 बेटियां हैं। सार्वजनिक शौचालय उनके घर से करीब 0.5 किलोमीटर की दूरी पर है और उनको हर रोज इतना चल कर जाना पड़ता था। आर्थिक समस्या के कारण वे भी शौचालय बनवाने में सक्षम नहीं थी। जब हमें उनकी समस्या के बारे में पता चला तो हमें ये सुनकर बहुत दुख हुआ और फिर हमने अपनी यथाशक्ति से उनकी सहायता करने का निश्चय किया। हमने उनकी ईंटों और सीट के रूप में मदद करी। हमारी इस छोटी सी मदद से शायद उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया और हमारे समाज के एक परिवार को वो सुविधा मिली जो प्रत्येक सदस्य को प्राप्त होनी चाहिए। इससे किसी के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आई, तो वैसे ही अगर लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, तो फिर हमें पूरा विश्वास है कि हम एक बेहतर कल की अपेक्षा कर सकते हैं और प्रत्येक चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं।